नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय झारखंड में नौकरी को लेकर तो कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं, लेकिन पहला बार ऐसा होगा जब झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके तमाम परिवार के लोगों पर एक साथ मुकदमा दायर हो रहा है। हम आपको पूरी स्थिति बताएंगे, चुनाव आयोग इस पर क्या कर सकती है, राज्यपाल के पास कौन सी रिपोर्ट है और ये आखिर मामला ही क्या है जिस मामले को लेकर इतना राजनीतिक सरगर्मी हो गया है, इस पर बात करेंगे। वीडियो के अंत में हमारी सहयोगी पंजाब नेशनल बैंक की वैकेंसी के बारे में बताएगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला में शिबू सोरेन के ऊपर भी अचानक से एक घोटाले का नाम आ गया और वो राष्ट्रीय खेल घोटाला है, जिसमें सीबीआई ने कहा है कि वो इसकी जांच करेगी क्योंकि हाईकोर्ट उसे परमिशन दे दी है। राष्ट्रीय खेल घोटाला में खेलगांव में स्टेडियम बनाने से लेकर कई प्रकार की अनियमितता हुई थी, एसीबी को ये जांच मिला था, लेकिन 10 साल तक जांच पूरी नहीं होने पर झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। कल्पना सोरेन का नाम भी एक मामले में आ गया है और बसंत सोरेन का नाम, जो दुमका से विधायक है, उनका नाम भी है, खुद मुख्यमंत्री का भी नाम है, यानी कि सोरेन परिवार के तमाम लोग जांच के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये मामला ही क्या है, ये जो माइनिंग का मामला है, ये मामला क्या है, क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है और ऐसा क्या हो गया, चुनाव आयोग क्या कहता है, आर्टिकल 192 क्या है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 8A 9 और 9A क्या है जिसमें इतनी हाई तौबा मची हुई है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये मामला 0.88 एकड़ जमीन का है। ये जून 2021 में लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि खनन पट्टा लिया गया था और यहीं से मामला की शुरुआत हुई। खनन पट्टा और पर्यावरण की मंजूरी चाहिए होती है, ये मंजूरी हेमंत सोरेन ने दे दिया। अब ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इसका मंजूरी देना आसान था, इसलिए इस पर मंजूरी दिया गया है। जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि क्या हेमंत सोरेन 2008 से इस जमीन को 0.88 एकड़ का जो खनन पट्टा था, क्या इसको लेने के लिए प्रयासरत थे। इसी प्रकार का एक मामला दुमका एमएलए बसंत सोरेन के खिलाफ है, जहां पर ग्रैंड्स माइनिंग कंपनी जो संथाल परगना में कार्य कर रहा है, बांग्लादेश इन्होंने जो स्टोन चिप्स होता है वो बेचा था और इसमें बसंत सोरेन एक पार्टनर थे, लिहाजा ये भी एक उल्लंघन बनता है। इसी प्रकार से शिबू सोरेन के ऊपर राष्ट्रीय खेल घोटाला में शिबू सोरेन राष्ट्रीय खेल समिति के अध्यक्ष थे और ये केस नंबर 49/220 है, जिसमें ये बोला गया है कि ये मामला बहुत इंपोर्टेंट और इस पर जांच होना चाहिए। कल्पना सोरेन के नाम से 11 एकड़ की जमीन अवैध रूप से खरीदी गई, इस पर भी जांच हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने दिनों के बाद ये जांच क्यों हो रहा है, क्योंकि रांची के बाहरी इलाके में एक सरकारी स्वामित्व वाली पत्थर की खदान पर अपने नाम जारी किए गए खनन पट्टे को प्राप्त करने में उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के। 1988 भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 और 13(1)(d) आईपीसी की धारा 169 का ये उल्लंघन माना जाता है। जो भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून है, इसका 9 नंबर आर्टिकल, 8A नंबर आर्टिकल, 19A और फिर 9A, ये भी वायलेशन माना जा रहा है। अब इस पर चुनाव आयोग के पास ये मामला गया है, चुनाव आयोग इस पर क्या कर सकते, चुनाव आयोग इस पर राज्यपाल को रिपोर्ट भेजती है। चुनाव आयोग राज्यपाल को ये जांच करने के बाद ये भेजती है कि जो ये मसला है, इस मसले में वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग सबसे पहले मुख्य सचिव को एक चिट्ठी भेजती है, उस चिट्ठी में वो दस्तावेज भेजा जाता है जो सबूत के तौर पर चुनाव आयोग को मिला है और ये पूछा जाता है कि क्या ये चिट्ठी सही है। मुख्य सचिव इस पर लिख करके देंगे कि हाँ ये चिट्ठी सही है, तो चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व की कानून 8A, 9A और 9 के तहत राज्यपाल को आवेदन देती है और इसके बाद
राज्यपाल इस पर एक्शन लेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री को अयोग्य करार देंगे, अयोग्य करार देते साथ मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाएगा, सरकार के गिरने का खतरा होगा, बशर्ते मुख्यमंत्री किसी और को अगर बना लिया जाता है इस बीच में तो फिर ठीक होगा। लेकिन यहां समझने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि चारा घोटाले में लालू यादव का जब नाम आया था उस समय इसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी और उसमें राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि कल्पना सोरेन के ऊपर भी 11 एकड़ के अवैध भूमि लेने का आरोप है। इसके साथ साथ बसंत सोरेन का नाम पहले ही आ चुका है घोटाला में कि उन्होंने जो संथाल परगना का माइंस है उसे अपने नाम लिया और नाम में रखा, पार्टनर बने और ये कंप्लीट इलीगल है। तो यहां पर एक तो उनकी भी कुर्सी जा रही है, दूसरा शिबू सोरेन को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच शुरू हो गया है। ऐसे में जेएमएम यानी कि राजा जो है वो चारों ओर से शतरंज के खेल में जब बिसात बैठता है तो राजा को चाल चलने के लिए बोला जाता है, लेकिन राजा के पास अब कोई चाल नहीं बचता है। ऐसे में राजा को की तख्ता पलटना स्वाभाविक हो जाता है। यहां पर कुछ इसी प्रकार की स्थिति नजर आ रही है। यही कारण है कि जेएमएम जल्दबाजी में कोशिश जरूर करेगी कि मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे बाबूलाल मरंडी और साथ में रघुवर दास, क्योंकि बाबूलाल मरंडी पे कोई बड़ा आरोप नहीं है लेकिन रघुवर दास पर सरू राय ने कई आरोप लगा दिया है। इसलिए कॉफी घोटाला, टी शर्ट घोटाला, चॉकलेट घोटाला और इस पर जांच तेज होगी। अब जांच दो प्रकार से होती है, एक जांच एसीबी करती है जो राज्य सरकार की संस्था है, और जो राष्ट्रीय खेल घोटाला हुआ था क्योंकि एसीबी जांच नहीं की इसलिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को जिम्मा दे दिया। उसी प्रकार से चुनाव आयोग के पास जो मामला गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी हो जाती है और वहां से अगर जांच में सही पाया जाता है तो मुख्यमंत्री को हटाने के बाद नए मुख्यमंत्री का विकल्प तलाशना होगा। या फिर ऐसे में कांग्रेस की भूमिका देखनी होगी कि वो किस गड़बड़ जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के करीबी जो है कई लोग उनके ऊपर भी जांच है। और ये दो साल में पहले मैसेज ये दिया जा रहा है जनता को कि बीजेपी जब थी तो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही थी, घोटाला नहीं होता था। ये सरकार का 2 ही साल हुआ और सभी लोगों का नाम घोटाला में आ गया। ऐसे में जनता के बीच ये मैसेज चला जाएगा कि चलो ये सरकार ठीक नहीं है और बीजेपी को मौका मिल जाए। जेएमएम जरूर चाहेगी कि इसको काउंटर करें और जल्द से जल्द बीजेपी के साम्राज्य के समय में जितनी चीजें हुई थी उन तमाम चीजों की जांच होगी, बारीकी से जांच होगी, क्योंकि इतना खुलेआम आरोप अगर सबूत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता होगा, उनके खिलाफ भी जांच है। इसके बावजूद उन्होंने चिट्ठी दिखाया बताया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके लीगल एक्सपर्ट ने कहा होगा कि इसमें हेमंत सोरेन जी फंस सकते हैं, और हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन जी के साथ बसंत सोरेन फंस रहे, खुद कल्पना सोरेन को इसके दायरे में लिया गया है और शिबू सोरेन जी के ऊपर भी जांच की आंच। तो ये अरगड़ा वाला जो मामला था 0.88 एकड़ जमीन और इतने के चलते कानूनी दस्तावेज जो है वो हाथ से चला जा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और दोहरा लाभ, ये दो चीजें होती है। अगर आप लाभ के पद पर है पहले से तो फिर आपकी सत्ता जाएगी। यहां पर ये वाला मामला नहीं बन रहा, यहां पर बन रहा है कि आपने दोहरा लाभ ले लिया, मतलब कि आप पद पर हैं और पद पर रहते हुए आप कोई भी सरकारी काम में अपने नाम से कोई काम नहीं कर सकते और या अपने परिवार के नाम से। अगर सरकारी पद पर रहते हुए जिस विभाग के आप हेड हैं पर्यावरण खनन विभाग के और उसका ठीका अगर आपके आदमी को मिल जाता है तो ये जो है भ्रष्टाचार निवारक कानून 1988 का उल्लंघन माना जाएगा और इसमें जांच हो जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर से आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें कोशिश किया बताने का कि झारखंड की राजनीति में जो मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है आखिर वो मुद्दा ही क्या है, और ये माइनिंग रांची के अंगड़ा स्थित जमीन को लेकर हो रहा है जो पट्टा मुख्यमंत्री, ऐसा आरोप कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लिया है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारी सहयोगी बताएगी वैकेंसी के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो हम वैकेंसीज लाए हैं, आज की हमारी वैकेंसी है बैंक की।
जैसा कि अभी हम रिसेंटली जान ही रहे हैं और देख ही रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज करेंटली बैंक्स टीचर्स के लिए आ रही है, तो ये जो वैकेंसी है ये पंजाब नेशनल बैंक से आई है। इस वैकेंसी में बेसिकली दो पोस्ट है, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। जब मैनेजर की हम बात करेंगे तो मैनेजर भी रिस्क मैनेजर है एंड क्रेडिट मैनेजर है, वेयर एज सीनियर मैनेजर्स की अलग पोस्ट है जो कि सीनियर मैनेजर के नाम से ही जानी जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 मई, और इसकी जो साइट जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है और रजिस्टर करना है वो है PNB बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। नाउ अब हम इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीजों की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले जो है देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को चेंज नहीं भी करते हैं तो भी आपको एक्सपीरियंस को चेंज करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जो है नॉर्मली 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, मतलब कि जब से आपके पास सर्टिफिकेट आया होगा उसके बाद का 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन आपको देना होगा। वेयर एज सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए जो है नॉर्मली आपसे 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। ये है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है दोनों ही पोस्ट के लिए CA CFA या पोस्ट अकाउंटेंट्स सारे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रेजुएट्स के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है बैंक्स में अप्लाई करने के लिए। नाउ जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, आप सपोज किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएटेड है, अगर बीकॉम बीएससी या बीए अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर याद रखिएगा कि आपसे जो पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा गया है वो एक्सपीरियंस सारे ही लोगों के लिए अप्लाइड है, भले वो सीए हो, सीएफए हो, पोस्ट अकाउंटेंट हो या नॉर्मल ग्रेजुएट हो। अब जो है इसकी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 पार्ट में बांटी गई है जो नॉर्मल एक बैंक के एग्जाम में देखी जाती है। तो इसका पहला सिलेक्शन प्रोसीजर होगा रिटन एग्जाम। पहला जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स भी है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है फाइनली आपका एक पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे। नाउ इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर का पहला राउंड जो है जो कि आपका रिटन टेस्ट होगा। अब ये रिटन टेस्ट जो है ऑनलाइन बेसिस पे लिया जाएगा, मतलब कि आपको इधर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया जाएगा या फिर आपको आपके ही जगह पर आपसे गूगल फॉर्म्स में फॉर्म भेजा जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ऐसा है कि रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज, इन सारे चीजों से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटन टेस्ट में। प्रोफेशनल नॉलेज की जब बात करी जाएगी तो प्रोफेशनल नॉलेज आपके डिग्री से रिलेटेड होगा। सपोज आप एक ग्रेजुएट है तो आपको ग्रेजुएट लेवल की ही नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट CA या कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटेंट है तो उसी रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। क्लियर, बाकी सारी चीजें सबके लिए एक बराबर होगी। इसके बाद है जब आप रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे तो रिटन टेस्ट के बाद आपका आएगा एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड। रिटन टेस्ट के जस्ट बाद आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद आएगा पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो कि हम सब जानते हैं नॉर्मली बैंक्स में पर्सनल इंटरव्यू होते ही हैं। तो बस यही सेशन है आपका, 2 प्रोसीजर्स में बांटा गया है। उसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करेंगे तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए 850 है, वेयर एज और अदर कैंडिडेट्स जितने भी SC ST PWD डिपार्टमेंट्स कहीं से भी है उन सबके लिए जो है ओनली 50 रुपीज चार्ज किया जाएगा, और GST एप्लीकेबल जैसा होगा उस हिसाब से आपको